भीड़ कहाँ रहती है, उस भीड़ में जाओ, वहाँ आपकी असली पता चलेगी कंपटीशन क्या चीज़ है। ये मेरे पास में एक फ्लैक्स है बड़ा सा, आज स्कूल में करियर डे मनाया जाएगा, बच्चों को उनके भविष्य के बारे में ज्ञान देने कौन कौन से कोर्स वो कर सकते हैं जो रोजगार उन्मुखी हो, मतलब उनको रोजगार दिलाने में सक्षम हो, तो इस बारे में आज एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी हमारे स्कूल में, आगे बताते हैं क्या होता है। वो इतने लोकप्रिय थे वहां पर ZNZ, बहुत अच्छा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष में आपके समक्ष दो शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर में हुआ था। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। मैं गुलाम क्लास 11 की छात्रा। स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्ति थे। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। ATC में सिलेक्शन के लिए पहले तैयारी करनी होगी। लड़कियां GNM कर सकती है, GNM नर्सिंग का कोर्स होता है। कईयों के मन में ख्वाहिश होती है सर मैं तो पटवारी या ग्राम सेवक बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए 12वीं के बाद में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद होता है, 12वीं के बाद ओ लेवल होता है, वो कर दो, कंपटीशन निर्दय होता है। युवा भारत युवाओं का देश है। सबसे पहला तो ये प्रण लो कि हम कुछ भी हो जाए, विशेषकर लड़कियां, आपको किताबों से दोस्ती नहीं छोड़नी। शायद भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कंपटीशन जिसमें बेसिक ये चीजें नहीं है। प्राइवेट पढ़ाई नाम मात्र की फीस के आधार पर भरी जा सकती है। अपने को अपना हौसला बना के रखना, कुछ भी हो जाए रेगुलर पढ़ाई आप लड़कियां नहीं छोड़ोगी। तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। अपने जो परिदृश्य है, अपनी जो परिस्थितियां, उसके अनुसार लड़के जो है वो 12th के बाद में पुलिस के लिए, अग्निवीर के लिए, BSTC, ठीक है, इन क्षेत्रों में ट्राई कर सकते हैं। एरिया में भी, बालेश्वर में भी महाविद्यालय है, कॉलेज है, शेखाड़ा में भी कॉलेज है। धन्यवाद।